JLN एक संभागीय अस्पताल है, इसमें मरीज और उनके साथ जो लोग आते हैं अटेंडेंट, उनके लिए हमारी सरकार ने दो विश्रामालय बनाने का तय किया था। एक तो मेन गेट जो अभी JLN का है उसके पास में, वो तो वर्किंग में आ गया। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काफ़ी मरीज आते हैं, तो इसके लिए 2018 के प्रारंभ में उन्होंने शिलान्यास किया, बन करके पूरा तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद चिकित्सा मंत्री जी को शायद समय अभाव के कारण उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है, इस कारण से शुरू नहीं हो पाया। मैंने पिछले और भी इस तरह के अजमेर एक दो उद्घाटन है, मैंने चिकित्सा मंत्री से आग्रह किया है कि वे जल्दी करें, अन्यथा इस प्रकार का पैसा लगाने के बाद जनता को या जिस उद्देश्य से बना उनको राहत न मिले तो ये उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस प्रकार का लोगों को बनने के बाद यदि उसका उपयोग न हो तो ये ठीक नहीं है। और केवल उद्घाटन के लिए कोई भी बनी बनाई चीज़ इस तरह से पड़ी रहे, मैं समझ ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री से आग्रह करूँगा, इनको जल्दी से जल्दी क्रियाशील बनाएं ताकि गरीब जनता को इसका राहत मिले। और इस अस्पताल में नागौर और दूर दूर के लोग आते हैं, उनके अटेंडेंट को निश्चित रूप से इसका उपयोग हो सके तो उचित रहेगा, अन्यथा हमारे द्वारा किए गए काम का कोई लाभ नहीं। मुझे लगता है कि कहीं BJP ने बनाए इसके लिए वर्किंग में ना आए, ये भी सोच ठीक नहीं है। अतः इनको राजनीति से ऊंचा उठ करके इस प्रकार का